कि तुम आज भी 10% हो बिहार की जाति जनगणना बता रही जिसे जगदेव बाबू ने कहा है। अगर 10 के बदले 20 भी बहुजन समाज मर गया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, 70 बचेंगे। यदि तुम्हारा मर गया तो दिया गुल हो जाएगा, बीमारी मुल्क देश हो जाएगा। इसलिए तुम चाह रहे हो कि सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, ईवीएम से चुनाव जीत लेते हो, बेईमानी से चुनाव जीत लेते हो, तो क्या वर्ग संघर्ष जिस दिन छिड़ेगा उस दिन भी जीत जाओगे? ये असंभव। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दुख झेला है आजादी की समाज जलाने वालों ने, बहुत दुख झेला है आजादी की समाज जलाने वालों ने, मुल्क पर राज किया है अक्सर बड़े घराने वालों ने, चंबल में रहने वालों ने तो चंद घरों को लूटा है, इस सारे देश को लूटा है इन देश चलाने वालों ने, इन देश चलाने वालों ने। मैंने बहुत सुना अखबारों में, टीवी पर, रेडियो पर, इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जो उद्घाटन करता है, जो डेहरी विधानसभा के सम्मानित विधायक हैं, इनके ऊपर बहुत मीडिया में चर्चा चल रही है। कोई जीभ काटने की घोषणा कर रहा है तो कोई और कुछ भाषण दे रहा है, लेकिन एक लाइन मैं कहना चाहूँगा, पूरा का पूरा आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, हुरदंग दल के लोगों को कि आप वैसी गलती मत करने की द्वारा कोशिश करना जो जगदेव बाबू के साथ किया, वरना गृह युद्ध छिड़ेगा और उसमें भस्मीभूत होता होगे। वो हमारा दोष नहीं, तुम्हारा गलती है। कारण कि तुम आज भी 10% हो बिहार की जाति जनगणना बता रही जिसे जगदेव बाबू ने कहा है। अगर 10 के बदले 20 भी बहुजन समाज मर गया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, 70 बचेंगे। यदि तुम्हारा मर गया तो दिया गुल हो जाएगा, बीमारी मुल्क देश हो जाएगा। इसलिए इस दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, ये वही डेहरी आन सोन है जहाँ पर जगदेव बाबू ने शोषित समाज दल बनाने के बाद प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन किया था 52 साल पहले, और ऐलान जंग किया था कि जिस दिन यह हमारा सोया हुआ बहुजन समाज जाग जाएगा, शोषित मूलवासी जाग जाएगा, तो गांव की प्रधानी तुम्हें नहीं मिलेगी, इसलिए अपनी आदत सुधार लो। अभी तुम्हें संभलने के लिए कह रहा हूँ। तुम चाह रहे हो कि सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, ईवीएम से चुनाव जीत लेते हो, बेईमानी से चुनाव जीत लेते हो, तो क्या वर्ग संघर्ष जिस दिन छिड़ेगा उस दिन भी जीत जाओगे? ये असंभव। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दुख झेला है आजादी की समाज जलाने वालों ने, बहुत दुख झेला है आजादी की समाज जलाने वालों ने, मुल्क पर राज किया है अक्सर बड़े घराने वालों ने, चंबल में रहने वालों ने तो चंद घरों को लूटा है, इस सारे देश को लूटा है इन देश चलाने वालों ने, इन देश चलाने वालों ने। किस तरह से लूटा है उसकी अगली लाइन है कि राम राज में रावण अब की नंगा होकर नाचा है, और सकल सूरत तो उसी जमाने की है, सिर्फ बदला इनका ढांचा है। तो आज भी वही है बेचारे, इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। दुनिया में क्रांतियां चल रही हैं, बहुत सारी क्रांतियां सफल हुई हैं, और लोग सोचते हैं कि जगदेव बाबू की क्रांति असफल हो जाएगी, माता सावित्री बाई की बातें झूठी हो जाएगी। ऐसा नहीं है साथियों, भ्रम को दूर करो। यह देश भारत है, सभी जनता के लोग भारतीय हैं, और तुम इन्हें हिंदुस्तान बनाना चाहते हो देश को, और हिंदू बनाना चाहते हो। ये तुम्हारा भारतीय संविधान और भारतीय दंड संहिता के आलोक में राष्ट्रद्रोह का कार्यक्रम है, जिसके जो ऑर्डर है, जो इस पे आदेश है, जो दंड विधान है, उसमें सिर्फ सजा तुम्हें फांसी की है। भारतीय दंड विधान की धारा 107 से लेकर 107 बल्कि 171 तक चले जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जिसमें आपको राष्ट्रीय कर्तव्य निर्धारित है, राष्ट्र के प्रति और जनता के प्रति एक भी कर्तव्य पूरा नहीं करते, जो करते हैं गाय गंगा गोबर, जितना कूड़ा पंथी का कार्य है, जिन मंदिरों से बहुजन समाज का सत्यानाश हुआ उसकी चर्चा चल रही है, पूरे देश के 31 कल कारखाने मोदी जी बेच दिए, एक भी कारखाना नहीं लगवाए, फिर भी रोजगार बांट रहे हैं। और इनका गृह मंत्री कहता है, क्या बोलता है गृह मंत्री, कि पकौड़ा तलो ये रोजगार है, ये संभव है? बेमतलब की बकवासबाजी है, लफाजी है, चकमेबाजी है, बहानेबाजी और ड्रामेबाजी है। और इन ड्रामेबाजियों को भगाने के लिए आपको इस बार सीधी लड़ाई लड़ना है। इस सूबे के पूर्व मुखिया, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष,
माननीय लालू प्रसाद जी के जिगर का मैं दाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि और दीर्घायु हो जाए, क्योंकि इन्होंने जो कुर्बानी देकर सजाया है और सींचा है चमन को, उसके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे मसीहा हैं, पीर पैगंबर हैं। जगदेव बाबू ने कहा था ना कि तीसरी पीढ़ी राज करेगी, 50 साल में 2 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी है। और इस बार जो एकता के लिए कुर्बानी दे रहे हैं लोग, अगर सही सलामत हमारे बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी 90% लोग इकट्ठे हो गए, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का बिहार तो छोड़ो, अन्य प्रदेशों में भी बहुमत की बात छोड़ देना, खाता नहीं खुलने वाला है। इन्हीं बातों के साथ चंद लाइन कहकर अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। क्या कहना है मुझे? कहना कि साथियों, जो लड़ाई चल रही है 2024 की, एक तरफ इनको है कि अंतिम लड़ाई जीत लेंगे, और दूसरी तरफ लड़ाई हमारे जो लोग हैं, नेता हैं 90 के, वे लड़ रहे हैं कि हम लड़ाई जीतेंगे। सच में हम जीत जाएंगे यदि दो प्रदेशों के नेता अपनी आदतों में सुधार कर लें। एक तो बंगाल से ममता बनर्जी जी, और दूसरा उत्तर प्रदेश में जहाँ से हम आते हैं, वहाँ भी हमारे नेता कूड़ापंथी में फंसे हैं, उनको भी थोड़ी समझदार बना लिया जाए तो लड़ाई जीतना बहुत आसान है। इसलिए कहना चाहूँगा कि विजय केतु गाड़ते वीर जिस गगन जई चोटी पर, विजय केतु यानी जीत का झंडा बुलंद करना, विजय केतु गाड़ते वीर जिस गगन जई चोटी पर, पहले वह मन उमंग के बीच चढ़ी जाती है, विद्युत बन छूटती समर में जो कृपाण लोहे की, वह विचार में प्रथम भट्टी में पीछे गढ़ी जाती है। जय भारत, जय भारती, खुदा हाफिज। वोट की ताकत से मार भगाइएगा शरारती। इन्हीं बातों के साथ सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।